सलमान खान की फिल्म रेस 3 ईद के मौके पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म को सलमान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म माना जा रहा है। और आपको बता दें, एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने पहले ही वीकेंड पर 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया। फिल्म ने भले ही अच्छा बिजनेस किया हो, लेकिन भाईजान की इस फिल्म को फिल्म समीक्षक और लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। समीक्षकों की माने तो फिल्म की कहानी इसकी पहले सीरीज की कहानियों से काफी कमजोर है। फिल्म का संगीत भी दमदार नहीं है। फिल्म रिलीज के बाद फिल्म देखकर आने वाले रेस 3 का मजाक बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कायदे से रेस 3 उस जज को 500 बार देखनी चाहिए जिसने सल्लू भाई को बेल ग्रांट की थी। इसके अलावा एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया, रेस 3 जैसी मूवी को 4 दिन में 100 करोड़ का कलेक्शन पहुँचाने वाले लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। जहाँ कुछ लोग इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, वहीं कुछ इसे भाईजान की बेस्ट फिल्म भी बता रहे हैं। खैर, इतने नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी ईद के मौके पर रिलीज हुई एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने पहले वीकेंड पे 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अनिल कपूर, शाकिब सलीम, बॉबी देओल, जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।